हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एक्वेरियम। अभी और हमें काविश के साथ लेट्स वांट टू टॉक अबाउट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ दिस एक्वेरियम। गाइस, आप लोग मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, जब से मेरा एक ग्लास आया था, आपने वीडियो देखी थी, फिर हमने एक्वेरियम बनाया, फिर उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर पेंटिंग वगैरह की, वायरिंग की, आपने देखी थी, हमने वीडियो डाली थी उसकी कवर ऑल। उसके बाद फिर हमने एक्वेरियम मूव करा, फिर हमने प्लम्बिंग करी, फिर हमने सम बनाया, उसको रखा हमने। फिर गाइस, तो आज हम लोग टोटल ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने एक्वेरियम के कॉस्ट पे, जो हमारा ग्लास था ये गाइस, ये 120 पर स्क्वायर फीट था, 12 mm ग्लास। ये सेम पीस है ग्लास का जो हमने यूज करा है इसमें, नॉन टेम्पर्ड ग्लास 12 mm का। तो चलिए तो कैलकुलेट करते हैं, तो अपना कैलकुलेटर ले लेते हैं, मतलब सेलफोन मेरा, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो ये हमारा हो गया 7 feet इसकी लेंथ है और 2 feet हाइट है, 7 × 2 = 14 × 3 फ्रंट पैनल, बैक पैनल, बॉटम पैनल, तीनों का साइज सेम है, तो ये × 3 हो गया, ये हो गया हमारा 42 और प्लस ये 2x2 इधर और 2x2 इधर, तो 4 feet इधर हो गया, 4 feet इधर हो गया। साइड पैनल जो हमारे हैं टोटल 8 हो गया, प्लस 8 ये हो गया हमारा 50 square feet टोटल ग्लास जो हो गया, और ये 120 rupees पर स्क्वायर फीट था, तो × 120 = 6000 हो गया गाइस। और जो उसकी शिपिंग थी ये 500 शिपिंग पड़ी थी इसकी, तो प्लस 500 कर लेते हैं, तो प्लस 500 हो गया हमारा, 6500 हो गया सिंपली। और जो उसकी जो ये हमारी ब्रेसिंग थी ये बाद में लाए थे, तो ऑलमोस्ट 1000 की मेरी ब्रेसिंग भी थी, जितनी थी बॉटम और टॉप ब्रेसिंग, ये 12 mm सेम ग्लास है वही ब्रेसिंग के लिए, ये 3 inches है और ये 2 inches है सेंटर वाली साइड, जो यूरो ब्रेसिंग है साइड वाली 3 inches है और मेरी बॉटम वाली 2 inches है। तो ये हमारी 1000 की थी ब्रेसिंग और इसकी शिपिंग 500 पर रही थी, तो प्लस 1000 और फिर प्लस 500 शिपिंग हो गई इसकी, तो हो गया 8000। गाइस काफी चीप नहीं है 8000, हमने ज्यादा सोचा था 8000। ये हो गया हमारा, और हमारे ओवरफ्लो बॉक्स है ये, जो आपको याद होगा हमने बनाया था ओवरफ्लो बॉक्स, तो ये हो गया ये हमारा ओवर, क्योंकि इसमें एक सिलिकॉन की बॉटल लग गई थी, मतलब एक नहीं लगी थी, हाफ ही लगी थी ऑलमोस्ट, मगर इसका प्राइस 250 है, तो जो है ये हमारी पड़ गई थी 250 की पड़ी थी, तो मेरी एक ही लग गई थी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए। और जो ग्लास था ये 8 mm ग्लास है, और जो इसके वेयर्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये सेम ग्लास का पीस है वेयर जो हमने यूज करे हैं, ये 5 mm ग्लास है 1 inch और बाय 2 या 3 inches और 2.5 inch, हमको याद नहीं अब टाइम हो गया इसको। तो ये हमारा टोटल जो बॉक्स की कॉस्ट पड़ी थी 500 पड़ गई थी, तो प्लस 500 कर लेते हैं सिलिकॉन और वो सब टोटल ग्लास मिला के, तो ये हमारा 8500 हो गया। और ये टोटल गाइस ये मेरा ग्लास हो गया, अब आप समझ सकते हैं अगर आपको एक्वेरियम बनाना हो तो अगर 8500 का ग्लास पड़ेगा ऑलमोस्ट। और हाँ, और हमने इसमें 2 holes करवाए थे, 1 hole था हमारा ये 200 rupees का, 1 hole पड़ा था 1.5 inch का, 1.5 inch डायमीटर, 2 holes हो गया 400 के प्लस 400, तो ये हमारा हो गया 8900। और हमारा सिलिकॉन था, यही सिलिकॉन में यूज कराया गया, आपने देखा था मेरे पूरे प्रोजेक्ट में हम यही सिलिकॉन यूज करते हैं, ये सही रहता है 100% सिलिकॉन। और ये हमारी 4 bottles लग गई थी इसमें, एक बॉटल की कॉस्ट है 250 rupees, तो 4 bottles हो गई मेरी 1000 की, प्लस 1000 और कर लेते हैं, तो हमारा हो गया 9900। और फिर ये हो गया हमारा 9900 की इसकी टोटल जो हमारे कॉस्ट है, इतने मेरे एक्वेरियम बन गया था। और फिर चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं हमारी प्लम्बिंग, ये जो है ये हमारा वो तो हो गया, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो हमारी प्लम्बिंग हुई थी, ये जो हमारे 2 connectors हैं, इसको आप वो भी कह सकते हैं, ये जो हमारे 2 connectors हैं हम कनेक्टर यूज कर रहे हैं, या बॉल हेड भी यूज कर सकते हैं, ये हमारे ऑलमोस्ट एक मेरा 100 rupees का पड़ा था, तो 200 के हमारे, हमको सही से याद तो नहीं बट कुछ ऐसे ही था, ये 100 rupees के आसपास था। और प्लस
हमारे ये टू ये कनेक्टर हो गए जो इसमें से कनेक्टर से जुड़े हैं इसी पीवीसी पाइप में, ये 30 रुपीज का एक था ऑलमोस्ट, तो 60 रुपीज इसके हो गए। और फिर प्लस ये हमारे यूनियन, ये कुछ कॉस्टली थे, ये शायद 200 का एक था या कुछ ऐसे ही था। ये हमारी पूरी 1 इंच पूरी पीवीसी पाइप लाइन है, ये 1 इंच आप देख सकते हैं पीवीसी पाइप लाइन मेरी पूरी, ये जो ये है ये उसका कट पीस है। और ये हमारे यूनियन 200 का एक था तो ये 400 के हो गए हमारे। और फिर प्लस ये जो हमारी एल्बो है, ये हमने 9 एल्बो यूज करी है 1 इंच एल्बो, और मेरी 1 और 2 वेस्ट भी हो गई उनको हटा देते हैं, बट हमारी 9 यूज हुई है इसमें। तो 9, ये एक एल्बो हमारी 25 रुपीज की थी, इंटू 25 कर लेते हैं। और फिर हमारी ये जो लेंथ थी ये 300 की थी पूरी मेरी, एक 200 वाली भी थी बट हमने 300 वाली ले ली, सही रहती है, थोड़ी कॉस्टली, ये थोड़े वाटर टेम्परेचर अगर हाई है तो सही से ये सही रहता है उसमें। तो ये 300 इसमें और ऐड कर लेते हैं, ये हमारी लेंथ। और ये जो हमारा ये बॉल वॉल्व था ये भी 300 के आसपास कुछ ऐसे ही था, तो 300 का ये हो गया हमारा प्लस। और बस गाइस यही था। हाँ, और ये हमारा सीमेंट सीपीवीसी सीमेंट, ये हमारी कितने की थी एमआरपी इसकी देख लेते हैं, ये 50 ml की थी और इसमें गाइस हमारा आराम से हो गया था, तो आप भी यही ले लें। और इसमें बची गई थी सीमेंट, ये 110 रुपीज की है प्लस 110, तो टोटल हमारी हार्ड प्लम्बिंग हो गई। और सॉफ्ट प्लम्बिंग ये हमने यूज करी थी, ये हमारा सॉफ्ट प्लम्बिंग वाला पाइप भी ऑलमोस्ट 100 रुपीज का था पूरा मेरे ख्याल से, और प्लस 100 रुपीज। चलिए अब इक्वल टू कर लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा 1795 ऑलमोस्ट 1700 हो गया। और जो हमारे वाटर पंप था इसका, ये वाटर पंप हमारा ये 200 रुपीज का था प्लस 200 कर लेते हैं, तो ये हमारे हो गए टोटल 1800 ऑलमोस्ट, ये हमारे 1900 हो गए। तो चलिए अब सम पे आ जाते हैं, ये पंप तो हमारा हो ही गया प्लम्बिंग में, और ये सम था ये हमारा 6 mm का ग्लास है और जो हमारा बेस है ये 8 mm है। तो अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 3.5 फिट का है, तो पहले अपने साइड ग्लास हम सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा साइड ग्लास है, ये 3.5 फिट 7 फिट हो गया ये, तो 7 प्लस ये हमारा 2 फिट का है जो इसका ब्रेथ है फ्रॉम बैक टू फ्रंट, ये 2 फिट है, तो 2 फिट 2 फिट 2 2 4 6 7 7 8 9 9 9 इन 9 हो गया, नहीं कुछ गलत हो रहा है, 7 तो हो ही गया था, अच्छा वो 7 अलग हो गया, और प्लस 1 1 2 3 3 4 5 6 6 12 प्लस 12 क्योंकि 2 फिट के अंदर आ रहे, तो 12 फिट ये हो गया, और फिर इनटू ये पूरा 19 फिट पूरा 19 स्क्वायर फिट हो गया पूरा मेरा ग्लास जितना है साइड का और बैक साइड बैक फ्रंट और सारे बेफल्स, ये हमारे 19 स्क्वायर फिट हो गए। अब इसको इनटू कर लेते हैं, ये हमारा था 60 पर स्क्वायर फिट, तो इनटू 60 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 1140। ये हमारा जो बॉटम हो गया ये कर लेते हैं 7 × 7 हो गया ना पूरा स्क्वायर फिट, ये इनटू 80 रुपीज में था ये, तो ये हो गया हमारा 560। और जो पहले मेरा साइड ग्लास था ये था 1140, तो ये टोटल हो गया हमारा 1700। तो ये हमारा ग्लास इसका भी हो गया, और फिर इसमें एक बोतल सिलिकॉन से एक से ज्यादा खर्च हुई थी, तो जो चलिए एक ही मान के चलते हैं, नहीं वैसे एक से ज्यादा 2 खर्च हुई थी इसमें, हाँ प्लस 500, तो ये हो गया मेरा 2200।
इसका भी हो गया। चलिए अब तो ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा ये 2200। तो गाइस अब बात करते हैं लाइट के बारे में। जो हमारी लाइट थी याद है ना, 4 एलईडी बल्ब लगे हुए हैं और ये एक एलईडी बल्ब मेरा ये है 9 वॉट का। तो ये हमारे एक बल्ब है 120 रुपीज का। तो 120 × 4 ये हमारा हो गया 480 रुपीज। और जो हमारे होल्डर थे ये 10 रुपीज का एक था, तो ये 4 होल्डर हो गए हमारे 40 रुपीज हो गए। और फिर ये हमारा वायर था, ये हम 50 रुपीज को ऑलमोस्ट लाए थे वायर जो है इसका हमारा, प्लस 50 कर लेते हैं। और जो स्विच था ये 10 रुपीज का था, प्लस 10 कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 580 रुपीज, ये हमारा हो गया। तो ये 580 रुपीज होगा। जिप टाइज थी ये 5 रुपीज ईच थी, 4 जिप टाई लगी है इसमें, तो 5 कर लेते हैं। वैसे लाए तो ज्यादा थे मगर अभी इसमें खाली इतनी जोड़ेंगे, तो 25 कर लेते हैं, 25 की हो गई। तो ये हमारा हो गया 605 रुपीज की। और ये हमारी लाइटिंग हो गई थी, ये वायरिंग तो याद ही होगी जब हमने वायरिंग करी थी, स्विच बोर्ड लगाया था। तो ये जो हमारी वायरिंग है, चलिए इसका प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारे सॉकेट थे, अब तो काफी टाइम हो गया इस बात को तो हमको याद नहीं, मगर ये जो हमारे ये 20 रुपीज ईच था, 20 40 नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 तो ये हो गए 7 × 20, ये हो गए हमारे 140 रुपीज। और ये 25 का एक था वो 4, ये हो गए 6 हो गए ये। तो ये हो गए हमारे 6 × 25 150 प्लस 140, ये हो गए हमारे 290 रुपीज। और ये जो हमारा इसके अंदर जो वायर लगा है, नहीं, और ये जो बोर्ड थे ये 100 रुपीज का था एक, और एक था हमारा ये, नहीं एक तो पुराना था, हाँ एक 100 रुपीज का था, प्लस 100 रुपीज कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 390। और ये जो हमारी ये वो पाइपिंग, उसको क्या कहते हैं मैं याद नहीं आ रहा है, जो भी होती है ये जिसके अंदर हमने वायरिंग करी थी, सारे पाइप हैं, सारे तार हैं मेरे, इसको ये ओपन वायरिंग जो ये है हमारी, ये थी हमारी 30 कर लेते हैं, प्लस 30 रुपीज हो गए इसके। तो और जो वायर इसके अंदर लगा है ये मेरा ऑलमोस्ट 100 रुपीज का था, क्योंकि हमने 5 mm वायर लगाया था इसमें, क्योंकि इसमें देख रहे हैं काफी सारे, देख रहे हैं आप, हम इसमें काफी कुछ इस पे लोड देना है हमें, तो इसमें हमने काफी थिक वायर यूज करा था, तो 100 रुपीज इसके कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 520 रुपीज वायरिंग के हो गए हमारे। और फिर ये हमारे जो पेंट हमने किया था, ये पेंट था हमारा 250 रुपीज का, ये हमारा पेंट था, तो प्लस 250 कर लेते हैं, प्लस 250, ये हो गया हमारा 770। और 100 रुपीज का हम ब्रश भी लाए थे इसमें, तो 100 रुपीज ब्रश के भी जोड़ लेते हैं, 870 हो गया हमारा ये। तो फ्रेंड्स चलिए अब टोटल कर लेते हैं पूरा। अब ये मेरा ग्लास का प्राइस 9900 प्लस प्लम्बिंग 1895 प्लस सम 1700 प्लस लाइटिंग 605 प्लस ये हमारा ये जो हमने वायरिंग की है, ये हो गया हमारा 870
इक्वल टू देखते हैं गाइस 1409 सर 14,970 गाइस कितना कम है, हमने तो हमने 20 के पास सोचा था गाइस, शिपिंग पिंग उन्होंने जोड़ी, बाकी सामान की जो कुछ बीच में लगा वो सब तो नहीं जोड़ा, बट गाइस 15,000 और जो इसमें हमने स्पंज वगैरह लगाए वो भी जोड़ लेते हैं, 100 रुपीज का स्पंज लाए थे हम सम के लिए, तो ये 15,070 और ये जो हम बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए लाए थे वो हमने आप वीडियो भी डाली थी गाइस आपने देखी होगी, वो हमारा 150 रुपीज में लगे थे, तो गाइस ये गाइस 15,220 रुपीज गाइस ये ओवरऑल कॉस्ट है गाइस, काफी कम है गाइस, इतना बड़ा एक्वेरियम 7 फीट का 15,000 ओनली कॉस्ट मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है ये देखा जाए तो, विद ऑल प्लम्बिंग सम्प एंड ऑल दिस 15,220 रुपीज। सो गाइस बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है एंड ऑल दैट, सो आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, इसमें हमने सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है अपनी इस वीडियो में, आई होप यू हैव एंजॉयड माय टुडेज वीडियो, इफ यू हैव नॉट एंजॉयड माय टुडेज वीडियो देन मे बी यू विल एंजॉय माय नेक्स्ट वीडियो, सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस सो दैट कमेंट डाउन बिलो एंड इफ यू वॉन्ट टू फॉलो मी देन यू कैन सी दिस इज माई लिंक काविश हसन, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड बाय फ्रेंड्स।